हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत सारे सेशंस अपलोड किए हैं जहां हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है उस पर डिस्कशन किया है साथ ही साथ डिग्री ऑफ़ प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिग्री ऑफ़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज वेल एज डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर भी डिस्कशन कर लिया है आज का जो हमारा सेशन है वो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो एम एग्जाम में कवर करता है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है जहाँ मैंशन किया रहता है कि वो पॉइंट इलास्टिसिटी से सॉल्व करना है आर्क इलास्टिसिटी से सॉल्व करना है एंड सो ऑन तो वो टॉपिक आपका आज हम क्लियर करने वाले हैं इस सेशन के बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करेंगे सो so दैट उसकी प्रैक्टिस आप प्रॉपरली कर पाओ अब देखो हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है ऑन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि ये जो ई का कैलकुलेशन हम करते हैं ये किस किस मेथड से कर सकते हैं इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट अन कॉम्बैट जहाँ अन अकेडमी ने सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और ये लाइव टेस्ट होगा ऑन ट्वेंटी मार्च इस लाइव टेस्ट से आपको आपके प्रिपरेशन के बारे में आइडिया तो लगेगा ही बट साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं इस लाइव टेस्ट में ओवरऑल 40 एमसीक्यूज होंगे एंड वन आवर का टाइम पीरियड आपको मिलेगा ट्वेंटी मार्च 2022 को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एट ट्वेल्थ पी एम तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें सो दैट हर एक स्टूडेंट जो सी इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसका बेनिफिट ले पाए इस लाइव टेस्ट को पार्टिसिपेट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एंड इस स्कॉलरशिप से आप अपनी आगे की स्टडीज़ रिलेटेड टू सीए बहुत ही ईजिली क्लियर कर पाओगे इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मोबाइल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एज़ वेल एज लैपटॉप की हेल्प से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो बट उसके पहले आपको इनरोल कराना होगा आप जब इनरोलमेंट कराना तो हमारा कोड यूज़ कर लेना जो कि है काजल के ए जे एल टू ज़ीरो ट्वेंटी टू जल ट्वेंटी ट्वेंटी 2022 ये हमारा कोड है एनरोल करने के लिए जहां तो तो हम लोग लो ये देखेंगे कि ईडी का कैलकुलशन किस किस मेथड से कर सकते हैं ओवरऑल हमारे पास चार मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ईडी का कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट वन इज द परसेंटेज और रेशियो और प्रपोर्शनल मैथड अ देखो यहाँ पे अदर नेम्स भी हमने मैंशन कर क्योंकि एम सी क्यूज ना इन क्वेश्चन इन टॉपिक से भी बनता है तो सबसे पहला मैथड है परसेंटेज मैथड जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिंपली हम लोग यहाँ क्या करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं परसेंटेज मेथड को हम रेशियो मेथड भी कहते हैं और प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं हर एक मेथड पे हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे पर पहले देख लेते हैं कि किस किस मेथड से हम लोग ईडी का कैलकुलेशन कर सकते हैं सेकेंड इज द टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और सेलर्स टोटल रेवेन्यू मेथड अब देखो टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे भी ना या टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे भी आपने एग्जाम आपने देखा होगा कि कई सारे एमसीक्यूज पूछते हैं जिसमें रिलेशन पूछता है टोटल एक्सपेंडिचर का प्राइस से और टोटल रेवेन्यू का प्राइस से तो वो कॉन्सेप्ट भी आज हम लोग क्लियर करेंगे थर्ड मेथड है द पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड जहाँ हम लोग सिंपली इस पर्टिकुलर ग्राफ पे डिमांड कर्व बनाते हैं और डिमांड कर्व की हेल्प से हम लोग ई डी फाइंड आउट करते हैं एंड लास्ट वन इज आर्क मेथड आर्क मेथड बेसिकली क्या होता है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में कितनी इलास्टिसिटी है इनके बीच में हमारा डिमांड कितना इलास्टिक हो सकता है उसका कैलकुलेशन करते हैं विद हेल्प ऑफ आर्क मेथड तो ये ओवरऑल चार मेथड है ईडी के कैलकुलेशन के लिए और हर एक मेथड पे अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे हमारा सबसे पहला मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए क्योंकि इसी से ना जर्नली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं लिखा है द परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शनल मेथड तो तो सिंपली इसमें क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कि प्राइस में जितना परसेंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारे डिमांड में कितना चेंज होगा इसी को हम कहते हैं परसेंटेज मेथड इस पे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है प्राइस और डिमांड की बात करें तो इनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है नेगेटिव अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और प्राइस के केस में हमने ये भी बताया कि फाइव डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी की एक है ई डी इज इक्वल टू वन दैट इज़ यूनिटी यूनिटी के केस में क्या था कि अगर हमारा प्राइस टेन परसेंट से चेंज होगा तो डिमांड भी टेन परसेंट से ही चेंज होगा सेकेंड था ई डी इज लेस देन वन अब लेस देन वन में हमने बताया था कि अगर प्राइस टेन परसेंट से इंक्रीज होगा तो डिमांड नो डाउट डिक्रीज तो होगा बट ओनली बाई फाइव परसेंट थर्ड था ई डी इज ग्रेटर देन वन जहाँ प्राइस टेन परसेंट से इंक्रीज होगा तो डिमांड फिफ्टीन परसेंट से डिक्रीज़ होगी एक था ई डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो जहाँ पर हमने बोला था कि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज़ हमारे डिमांड पर कोई अफेक्ट नहीं होगा एंड लास्ट वन इज़ ई डी इज़ इक्वल टू इन्फिनीटी जहाँ कांस्टेंट प्राइस पे हमारा डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ये ओवरऑल फाइव डिग्रीज थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की और वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी क्योंकि हम यहाँ प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं डिमांड को लिखा इन दिस मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्टली वी शुड फाइंड आउट द चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस इन परसेंटेज देन द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज तो पहला फार्मूला तो यही है कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें और परसेंटेज को हमने क्या बोला प्रपोशनेट तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ईपी इज इक्वल टू प्रपोशनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इसको हम और कैसे लिख सकते हैं सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अब फर्दर हम उसको कैसे लिखेंगे देखो तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसको हम लोग फर्दर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं लेट से जो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है वो है Q एंड न्यू क्वांटिटी है Q1। वैसे ओरिजिनल प्राइस है P एंड न्यू प्राइस है P1। तो जब भी हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे तो Q1 वन माइनस क्यू करेंगे ये हो जाएगा Q1 वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसी तरीके से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय अब है परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये हो जाएगा न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस प्राइस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं 100, 100 तो हमारे हम है, हम पास आया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस अब ये ओरिजिनल क्वांटिटी नीचे ले आओ और ओरिजिनल प्राइस ऊपर तो तुम्हारे पास बचेगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी और यही फार्मूला आप लोग हमेशा से देखते आए हो कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कि जितना क्वांटिटी में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जितना प्राइस में चेंज हुआ मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी अब देखो क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी में किस तरह का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है नेगेटिव रिलेशन होता है तो आप कभी नहीं देखोगे कि यहाँ पे हम माइनस साइन लगा रहे क्यों क्योंकि जब भी हम यहाँ पे ईडी का कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमें पता होता है कि वो नेगेटिव को ही शो कर रहा है क्योंकि अगर प्राइज इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा क्लियर तो हम कभी भी यहाँ नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं बल्कि हमें बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा नेगेटिव देखो यहाँ पे हमने वही चीज मेंशन की है ईपी जिसको हम लोग ईडी से भी डिनोट कर सकते हैं इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस और हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ पे देखो हमने आप लोगों के लिए मेंशन भी कर दिया है कि इसमें से कौन सी वैल्यू क्या डिनोट कर रही है अब यहाँ एक एग्जांपल ले लो जैसे मान लो कि हमारी क्वांटिटी पहले थी हंड्रेड और अब हो गई वन ट्वेंटी हमें ये डिफरेंस निकालना है कि ये कितने परसेंट से जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो कितने परसेंट से बढ़ी तो हम लोग ना वन ट्वेंटी माइनस वन हंड्रेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड यही करते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट अब देखो इसी को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था हमने लिखा था क्यू वन माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी की क्वांटिटी में जितना चेंज हुआ वो आप लिख लो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्लियर अब यहाँ पे ना दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेशन करते हैं और कई बार इस फॉर्मूले से भी यह मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो होपफुली अब ये पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग परसेंटेज मेथड में ईडी का और ईपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है और ये सेकेंड फार्मूला जो हमने रिलेशनशिप बताया था वो यहाँ पे मेंशन किया है कि इफ द कोइफिशियट ऑफ अबव रेशियो इज इक्वल टू वन और यूनिटी तो डिमांड क्या होगा यूनिटरी दैट इज ई डी इज इक्वल टू क्या आएगा वन इफ द कोइफिशियट ऑफ अबव रेशियो इज मोर देन वन द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक अगर ईडी इज ग्रेटर देन वन है तो हम क्या कहते हैं कि ये रिलेटिवली इलास्टिक है और मोर देन यूनिटरी है इफ द कोट ऑफ अब रेशसांड इज रिलेटिवली इलास्टिक दैट इज अगर ईडी इज लेस देन वन है तो सिंपली हम लोग को पता है कि ये क्या शो रहा है रिलेटिवली इन इलास्टिक और लेस देन इलास्टिक ये तो हमने ऑलरेडी पहले डिग्री ऑफ प्राइज इलास्टिसिटी में डिस्कस किया हुआ है दो और चीजें यहां पर ले, ले लेना की अगर हमारा ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है तो इसको हमने एक और नाम दिया है परफेक्टली इलास्टिक क्योंकि आप लोग हमेशा नेम में कंफ्यूज होते हो तो मेंशन कर रहे हैं एंड अगर ईडी इज इक्वल टू जीरो है तो उसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक ये सब नेम हमने लर्न भी कराया है एंड अपना हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे जहाँ हमने ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं तो अब जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो ये टॉपिक आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो भी इसका आंसर आएगा लेट्स से इसका आंसर आ रहा है पॉइंट नाइन तो हमें पता है कि ये जो है ये किसको डिनोट कर रहा है माइनस को क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा किस तरह का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन और अगर ये पॉइंट नाइन है दैट इज लेस देन वन है ये सिंपली क्या है रिलेटिवली इनिलास्टिक और लेस देन यूनिटरी। क्योंकि जब आप देखोगे ना हम एम भी कराएंगे उसमें जब न्यूमेरिकल दिया रहता है और अंत में हमारे पास जो चार ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें यही पूछता है कि लेस देन इलास्टिक है मोर देन इलास्टिक है जीरो के इक्वल है इन्फिनीटी के इक्वल है तो वहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मैंशन करना होता है बल्कि ये बताना होता है कि वो किसको डिनोट कर रहा है अब अगर परसेंटेज मेथड की बात करें ना तो इसमें हम लोग वैल्यू का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly, और ये भी बता सकते हैं कि, कि किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो यहाँ आप जब भी ईडी का कैलकुलेशन करते हो तो वो सिर्फ आपको डायरेक्शन ही बताता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है एग्जैक्ट वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बाद में जब हम एम सेशन अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल बेस तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे बट यहाँ लेट से हमारा प्राइस पहले सिक्स था एंड उस प्राइस पे जो डिमांड थी वो थी टेन यूनिट्स की अब प्राइस डिक्रीज होकर के फोर रुपीज़ हो गया एंड डिमांड इंक्रीज होकर के फिफ्टीन यूनिट्स हो गई और अब परसेंटेज मेथड अप्लाई करके हमें ईडी का कैलकुलेशन करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे चेंज इन क्वांटिटी दैट इज फिफ्टीन माइनस टेन कितना हो जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय माइनस चेंज इन प्राइस ये हो जाएगा टू अब क्योंकि हमें पता है कि अगर प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड क्या होगा इंक्रीज होगा तो यहाँ माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वन पॉइंट फाइव अब क्योंकि हमें पता है कि हम प्राइस और डिमांड को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा ईडी हमेशा किस में आएगा माइनस में ही आएगा तो ये वैल्यू कितनी है माइनस वन पॉइंट फाइव और माइनस वन पॉइंट फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज कर रहा होगा तो ईडी हमारा आया वन पॉइंट फाइव अब ये वन पॉइंट फाइव किसको शो कर रहा है ये मोर देन वन है दैट इज ये हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक और हम कह सकते हैं मोर देन यूनिटरी तो अगर प्राइस और डिमांड की बात करें क्योंकि उनके बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है हाँ कई बार ऑप्शन में 1.5 आंसर दिया रहता है माइनस वन आंसर दिया रहता है तो नो डाउट आंसर क्या होगा माइनस क्यों क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना कि प्राइज और डिमांड के बीच में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है तो होपफुली ये फर्स्ट मेथड सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा अब हम लोग चलेंगे टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड और सेलर्स टोटल रेवेन्यू मेथड पे अगर टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ किसकी बात करा है एक्सपेंडिचर की अभी तक हम लोग इसके बीच में रिलेशन देखते थे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में बट जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें कि कितने प्राइस पे खरीदा और कितना क्वांटिटी खरीदा तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा टोटल एक्सपेंडिचर तब तो आप बोलोगे कि मैम टोटल रेवेन्यू क्यों लिखा है यहाँ सिंपली ना टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टोटल रेवेन्यू लिखा है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि प्रोड्यूसर अपनी रेवेन्यू कैसे निकालता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी की उसने लेट से टेन क्वान्टिटीज सेल की हैं पाँच रुपये पर तो सिंपली उसकी रेवेन्यू कितनी हो गई फिफ्टी रुपीज़ और एज अ कस्टमर या एज अ कंज्यूमर आप देखो कि आपने दस यूनिट परचेज किया है फाइव रुपीज़ पर तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया फिफ्टी रुपीज़ जो उसके लिए रेवेन्यू है वही तो आपका एक्सपेंडिचर है यहां इसी सेंस से लिखा है कि टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड और सेलर टोटल रेवेन्यू मेथड अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो टोटल रेवेन्यू हो गया और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया तो यहां जो हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना प्राइस का कंपेरिजन करते हैं विथ टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक किसका रिलेशन देख रहे थे प्राइस और डिमांड का पर अब डिमांड का ना देख करके टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखेंगे फिर प्राइस लिखा है द टोटल आउटले रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय अ कंज्यूमर ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी इट इज ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्राइस विद द क्वांटिटी डिमांडेड सिंपली अगर हम टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैसे कैलकुलेट होगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया है कमोडिटी पे वही चीज हमने यहाँ लिखा है टी ओ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू और हम लिख सकते हैं टी ई दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इन दिस मेथड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी कैन बी डिसाइडेड तो यहाँ हम लोग इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन करेंगे ईडी का कैलकुलेशन बट किसकी हेल्प से प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से अब यह हम पहले ये चीज़ बता दें कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनडायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा तब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा ग्रेटर देन वन दूसरा पॉइंट है कि अगर प्राइस के इंक्रीज़ होने से या डिक्रीज होने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा इक्वल टू वन एंड अगर प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो एंड प्राइस के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशन हो तो उस केस में ई डी इज इक्वल टू होगा लेस देन वन ओवरऑल जब हम प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखते हैं तो यहां तीन ही तरह का रिलेशन अराइज हो सकता है यहां पहले मैंशन कर दे रहे हैं पहला होगा ईडी इज ग्रेटर देन वन दूसरा होगा ईडी इज इक्वल टू वन और तीसरा होगा ईडी इज ग्रेट लेस देन वन सिंपली यहां पे क्या होगा प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होगा नेक्स्ट इट इज इक्वल टू वन तब होगा जब प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज बट टोटल एक्सपेंडिचर में किसी तरह का कोई चेंज ना हो एंड इट इज लेस देन वन तब होगा जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो जिधर प्राइस चेंज होगा उधर ही टोटल एक्सपेंडिचर भी चेंज होगा इसका एग्जाम्पल देख लो ईडी इज ग्रेटर देन वन तब होता है जब हम बात करते हैं लग्जरी आइटम्स की अब लग्जरी आइटम्स के केस में क्या होता है कि जैसे ही प्राइस थोड़ा सा फॉल किया लोग डिमांड इंक्रीज कर देते हैं हमने पहले भी बताया है कि अगर प्राइस टेन परसेंट से फॉल होगी तो डिमांड फिफ्टीन परसेंट से इंक्रीज़ होगी तो जब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी क्वान्टिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो नो no डाउट जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा बट ऑन द अदर हैंड अगर ईडी इज़ लेस देन वन की बात करें दैट इज यहाँ एग्जाम्पल लो नेसेसरी आइटम्स का यहाँ पे भी हम वही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो पहले भी हमने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में अब नेसेसरी आइटम्स की बात करो जैसे वीट हो गया तो वीट के केस में प्राइस जैसे ही फॉल करेगा नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगा बट क्या डिमांड डबल इंक्रीज हो जाएगी या ज्यादा इंक्रीज होगी नहीं हमने पहले भी बताया था कि अगर वीट पहले फिफ्टी रुपीज का मिल रहा था और अब फोर्टी का मिल रहा मिल मिलेगा तो लोग डिमांड इंक्रीज़ करेंगे बट कितनी डिमांड इंक्रीज़ करेंगे अगर प्राइस में टेन परसेंट डिक्रीज़ हुआ है तो डिमांड सिर्फ फाइव परसेंट से ही इंक्रीज होने वाला है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा ऐसा नहीं है कि लोग वीट का कंज़म्पशन बहुत एक्सेस बढ़ा देंगे वीट का कंज़म्पशन अगर पहले दस के कर रहे थे तो अब ट्वेल्व के करेंगे मैक्सिमम यह मैंशन किया डॉक्टर आलफ्रेड मार्शल लेट द फॉलोइंग प्रपोजिशंस इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज विद द फॉलिंग ऑफ द प्राइज एंड डिक्रीजेज विद द राइजिंग ऑफ द प्राइज इट इज़ सेट टू बी रिलेटिवली इलास्टिक तो सिंपली अगर हम लोग बात करें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की ओर ईडी इज ग्रेटर दैन वन की तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा किसके बीच में टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइज के बीच में सेकेंड लिखा है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टेंट इवन द प्राइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इट इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक एंड लास्ट वन इज इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज विद द फॉलिंग ऑफ द प्राइज एंड इनक्रीजेज विद द राइजिंग ऑफ द प्राइज इट इज सेट टू बी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इज लेस देन वन कब होगा जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइज में डायरेक्ट रिलेशन हो अब यहीं पर इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि लेथ से ईडी इज ग्रेटर देन वन में हमने बात किया किसी भी लग्जरी आइटम की ए सी की मान लेते हैं पहले ए सी मिल रही थी फाइव हंड्रेड की और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डिमांड थी लोगों की वो थी हंड्रेड यूनिट्स अब जैसे ही प्राइस फॉल की फोर हंड्रेड पे तो नो no डाउट हमें पता है कि जितने परसेंटेज से प्राइस फॉल कर रहा है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा डिमांड पे तो लेट्स डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो गई वन फिफ्टी क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ ट्वेंटी परसेंट से प्राइस फॉल किया तो फिफ्टी परसेंट से डिमांड इंक्रीज हुआ अब टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही ईजिली सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करना है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी तो टोटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट केस में हो गया फिफ्टी थाउजेंड और सेकंड केस में हो गया सिक्सटी थाउजेंड अब यहाँ देखो यही पॉइंट हम समझा रहे थे कि जैसे ही हमारा प्राइस डिक्रीज़ हुआ वैसे ही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया क्योंकि प्राइस के घटते ही लोग डिमांड ज़्यादा बढ़ा देंगे और जब डिमांड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो ये किसको शो कर रहा है ई डी इज ग्रेटर देन वन को और ई डी इज ग्रेटर देन वन में हमने पहले ही बताया किस तरह का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइज एंड टोटल एक्सपेंडिचर होपफुली पॉइंट क्लियर होगा अब सेकेंड पॉइंट था ed इज ई डी इज इक्वल टू वन इसका एग्जाम्पल ले लो हमने पहले भी बताया कि इसके एग्जाम्पल में हम लोग हमेशा कम्फर्ट गुड्स लेंगे अच्छा एक पॉइंट याद रखना कि जो एग्ज़ाम्पल हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया है सब में कॉमन बताया है कि अगर हमारा ई डी इज़ ग्रेटर देन वन है तो लग्जरी आइटम्स लेना ई डी इज़ इक्वल टू वन है तो कंफर्ट गुड्स लेना और ई डी इज़ लेस देन वन है तो नेसेसरी गुड्स लेना ये एग्जाम्पल हर जगह एप्लीकेबल होगा अब मान लो कम्फर्ट गुड्स में हम लोग क्लोथ्स ले रहे हैं लेट्स हमारा प्राइस था सिक्स हंड्रेड और जो क्वान्टिटी हम परचेज़ कर रहे थे वो थी फोर्टी यूनिट्स तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड अब जैसे ही हमारा प्राइस डिक्रीज़ हुआ फोर एट्टी तो क्वांटिटी नो डाउट क्या होगी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हम किसकी बात करें कंफर्ट गुड्स की और कंफर्ट गुड्स में हमें पता है कि जिस परसेंटेज से जिस रेशियो से प्राइस डिक्रीज़ होता है उसी रेशियो से क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो भी आप देखोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्राइस के डिक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया उसी तरीके से प्राइस के इंक्रीज होने पे भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं ईडी इज इक्वल टू वन और यूनिटरी इलास्टिक एंड लास्ट डिग्री है ईडी इज लेस देन वन दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक ये इन अलग नहीं है यहाँ पे है इन इलास्टिक तो इसमें सिंपली आप एग्जाम्पल ले लो वीट का अब वीट के केस में क्या होगा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि लेट्स अगर प्राइस ट्वेंटी रुपीज पर के जी है एंड लोग परचेज करें फाइव हंड्रेड के जी नाओ लेट्स अगर प्राइस डिक्रीज़ होकर के एटीन हो गया तो क्या जो डिमांड है वो डबल डिक्रीज़ होगी नहीं वो डेढ़ गुना भी इंक्रीज़ नहीं होगी और ना ही डबल इंक्रीज होगी बहुत नॉमिनल आप उसमें इंक्रीज़ देखोगे तो जैसे हमारी प्राइस डिक्रीज़ हुई हमारी डिमांड क्या हो गई बढ़ गई बट बहुत ज़्यादा रेशियो में नहीं बढ़ी अब ये प्राइस है टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके देख लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई की टेन थाउजेंड एंड एटीन मल्टीप्लाई बाई फाइव ट्वेंटी करेंगे तो वैल्यू आएगी नाइन थ्री सिक्स जीरो अब यहाँ देखो कि सिंपली जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता तो सिंपली यहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन और जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो इट इज लेस देन वन होगा होपफुली ये पॉइंट भी सबको क्लियर होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपको तीन रिलेशन ही याद रखना है पहला है ईडी इज ग्रेटर देन वन फिर है इज इक्वल टू वन नेक्स्ट है ईडी इज लेस देन वन अब देखो परसेंटेज मेथड में जो फर्स्ट मेथड हमने बताया था, था वहां पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन भी किया था इस फॉर्मूले की हेल्प से बट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ना आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप सिर्फ एक डायरेक्शन बता पाओगे कि टोटल एक्सपेंडिचर किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइस अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन करना है तो वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा भी है कि हाउ एवर टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइज इलास्टिसिटी इज लेस एग्जैक्ट दिस मेथड ओनली क्लासिफाइज इलास्टिसिटी इंटू इलास्टिक इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक अब इलास्टिक इसको शो कर रहा है इडी इज ग्रेटर देन वन को इन इलास्टिक शो कर रहा है इडी इज लेस देन वन को एंड यूनिट इलास्टिक हो गया इडी इज इक्वल टू वन आगे लिखा है द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी कैन नॉट बी फाउंड आउट विद दिस मेथड अगर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैलकुलेशन करनी है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है पॉइंट नाइन है वन पॉइंट नाइन है तो ये हम कभी भी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते ये आपको परसेंटेज मेथड से ही फाइंड आउट करना होगा ये टॉपिक होपफुली सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बट हम यहाँ पे आप लोगों को लर्न करने के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वो मैंशन कर दे रहे हैं सो दैट एग्जाम टाइम आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट ना याद करना हो सिर्फ ये चीज़ आप याद रखना कि एक प्राइज़ है टोटल एक्सपेंडिचर है और इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है अगर प्राइज़ इंक्रीज़ कर रहा है एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ कर रहा है दैट इज़ इनडायरेक्ट रिलेशन है तो सिंपली क्या हो जाएगा ई डी इज ग्रेटर देन वन अगर प्राइस के इंक्रीज़ होने पर या डिक्रीज होने में टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई चेंज नहीं आ रहा तो ई डी इज़ इक्वल टू वन एंड लास्ट है अगर प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है एंड वाइस वर्सा तो यहाँ किस तरह का रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन और इस केस में हमारा ई डी इज लेस देन वन होगा बस यही चीज़ हमने यही कॉन्सेप्ट हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में बताया है बट आप लोगों को लर्न इसी तरीके से होगा आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो इसका हम यहाँ पे ग्राफ भी मेंशन कर दे रहे हैं वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होता है ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है यहाँ पे हम लोग प्राइस शो करेंगे और यहाँ हम लोग शो करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर क्यों क्योंकि प्राइस का रिलेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर के साथ ये हमारा प्राइस है ये भी प्राइस है अब देखो यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया है कई तरह की प्राइजेस ड्रॉ की हैं और उसके बेसिस पे टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया तो यहाँ देखो इस पोर्शन पे देखो ये वाला जो पोर्शन है एन बी एम सी इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बी सी तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा ई डी इज इक्वल टू वन क्योंकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ये जो वैल्यू है टोटल एक्सपेंडिचर की चेंज नहीं हो रही है यहाँ देखेंगे जब हमारी प्राइस इतनी थी तो टोटल एक्सपेंडिचर इतना था जैसे ही प्राइस फॉल किया टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा इट इज लेस देन जाएस क्योंकि यहाँ पे किस तरह का रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन नेक्स्ट जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ फ्रॉम एन टू आर टोटल एक्सपेंडिचर पहले कितना था एन बी एंड देन वो डिक्रीज होकर के हो गया आर ए तो प्राइस के इंक्रीज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशन है तो यहाँ होगा इी इज ग्रेटर देन वन ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है बट कई बार क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर की जब थ्योरी पूछता है एग्जाम में तब आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके आना होता है यहाँ देखो हमने एक टेबले प्रेजेंटेशन भी बनाया है सिंपली यहाँ पे हम ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि इस केस में जहाँ प्राइस के फॉल होने पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा इस लेवल पर ई डी इज इक्वल टू वन होगा नेक्स्ट प्राइस के फॉल होने पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है तो ई डी इज ई डी इज लेस देन वन होगा एंड प्राइस के फॉल होने पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो ई डी इज़ ग्रेटर देन वन होगा होपफुली हमने ये पॉइंट इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को ये पॉइंट लर्न हो गया होगा कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है और एग्जाम में हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम उस क्वेश्चन को कभी भी

एंड इस डिमांड कर्व पे ही अलग अलग डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं लिखा इन दिस मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व हमने ये चीज़ बताई कि ये पर्टिकुलर जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं इसी पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या वैल्यू है दिस मैथड इज़ यूजफुल विन चेंजेस इन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड आर वेरी स्मॉल न बी कंसिडर्ड वन एंड से हम लोग बात करें पॉइंट और जोमेट्रिकल मेथड की तो इसको हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब प्राइस में एंड डिमांड में जो भी चेंजेस हो रहा है यह तो हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है तो अगर प्राइज इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा बट जो प्राइस और डिमांड चेंज हो रहा है चेंज इतने स्मॉल पोर्शन से हो रहा है कि हम उसको एक सिंगल डिमांड कर्फ पे प्लॉट कर सके तभी हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं इन दिस मेथड द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज सिंपल फार्मूला क्या है ई पी दैट इज ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट अभी इस फॉर्मूले पे हम एप्लीकेशन करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें ईडी अलग अलग डिग्री का कैलकुलेट करना है बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट और जो मेथड का सिर्फ इतना है कि पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड की हेल्प से हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं वो एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व की हेल्प से ही फाइंड आउट करते हैं एंड इस पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे तभी हम प्लॉट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब प्राइस में एंड डिमांड में जो चेंजेस हो रहा है वो इतना स्मॉल है कि हम उसको एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे प्लॉट कर पाए आगे लिखा है ए बी इज द डिमांड कर्व इन द डायग्राम अभी हम डायग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे हाउ द लास्टिट डिमांड कैन बी मेजर्ड ऑनांड कर्व इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वे अब ये देखो हम एक डिमांड कर्व आप लोगों के लिए बना दे रहे हैं सो so दैट हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाए ये हमारा एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है वाई एक्सेस पे प्राइस का डिनोशन होगा एंड एक्स एक्सेस पे क्वान्टिटी अब ये हमारा डिमांड कर्व है मान लेते हैं कि ये प्राइस एंड क्वान्टिटी है यहाँ होगा ईडी टू वन फिर इसके नीचे आएगा ई डी इज लेस देन वन एंड एक्स एक्सिस पे हमारा ई डी आ जाएगा जीरो के इक्वल नाउ ई डी इज इक्वल टू वन के अबव आएगा ई डी इज ग्रेटर देन वन एंड वाई एक्सिस पे जब टच करेगा तो ये हो जाएगा ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके भी दिखा रहे हैं सो so दैट आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आए कि किस तरीके से एक सिंगल डिमांड कर्व पे हम लोग अलग अलग डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करते हैं अब मान लेते हैं ये है ए और ये है बी जैसा हमने अपने कॉन्सेप्ट में लिखा भी था कि ए बी इज अ डिमांड कर्व ये सी है ये पॉइंट एक पॉइंट यहाँ ले लो डी और एक पॉइंट यहाँ ले लो ई e. अब क्योंकि देखो ये जो हमारा डिमांड कर्व बना हुआ है ए बी ये जो डिमांड कर्व है इसको हमने कितने पोर्शन में डिवाइड किया है वन टू थ्री फोर तो सिंपली हम वैल्यूज हर एक की कितनी रख सकते हैं वन बाई फोर रख सकते हैं तो मान लेते कि इसकी वैल्यू भी वन बाई फोर है इसकी वैल्यू भी वन बाई फोर है अगेन क्लियर क्योंकि हमने पूरे डिमांड कर्व को चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एट पॉइंट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है तो एट सी जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट यही फॉर्मुला हमने ऊपर बताया भी था ज्योमेट्रिकल मेथड के लिए अब लोअर सेगमेंट देखो लोअर सेगमेंट कितना है ये पोर्शन दैट इज वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर टू बाई फोर डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट भी कितना है टू बाई फोर तो सिंपली हमारे पास वैल्यू कितनी आई वन तो अगर एट पॉइंट सी हम लोग बात करें तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया वन और हमने यहाँ पे ई कितना बताया था वन बताया था बस इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लेंगे अब बहुत ही ईजिली आप लोग पॉइंट डी पे भी कैलकुलेशन कर लोगे कि एट डी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा सिंपली हम लोग क्या देखेंगे लोअर सेगमेंट जो कि है डी बी डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट जो कि क्या है डी ए डी बी की वैल्यू कितनी है वन बाई फोर एंड डी ए की वैल्यू कितनी है वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर दैट इज थ्री बाई फोर 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 कट गया वैल्यू कितनी आ गई वन बाई थ्री और हम कह सकते हैं पॉइंट थ्री थ्री क्लियर तो ये क्या वैल्यू शो कर रहा है कि हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन वन है तो एट पॉइंट डी हमारी वैल्यू कितनी हो गई ईडी इज लेस देन वन और यही चीज हमने डायरेक्टली भी बताई थी इसी तरीके से ना आप हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हमारा फॉर्मूला फिक्स होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट अब हम लोग निकालेंगे एट बी इस लेवल पे तो एट बी पे लोअर सेगमेंट कितना हो गया जीरो और अपर सेगमेंट तो पूरा हो गया दैट इज़ फोर बाई फोर सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़ीरो और हमने बताया था कि यहाँ ई डी क्या आएगा जीरो अब हम लोग निकाल लेंगे ऐट पॉइंट ई लोअर सेगमेंट ये आ गया थ्री बाई फोर और अपर सेगमेंट है वन बाई फोर ये अपर सेगमेंट है फोर फोर कट गया वैल्यू क्या थ्री दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन तो इस लेवल पे हमारा ई डी कितना होगा ग्रेटर देन वन एंड एट लास्ट एट पॉइंट ए हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा लोअर सेगमेंट यह हो जाएगा फोर बाई फोर और अपर सेगमेंट कितना है ज़ीरो और जब डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो होती है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी तो सिंपली यहाँ ई डी क्या हो गया इन्फिनिटी तो एट पॉइंट ए ई डी इज़ इक्वल टू इन्फिटी और यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में जब डायग्राम बनाया था तब भी बता दिया था कि हर एक लेवल पे जब यहाँ पे एट पॉइंट सी ई डी इज इक्वल टू वन है तो नीचे वैल्यू घटेगी और ऊपर वैल्यू बढ़ेगी तो सिंपली हम यहाँ लिख दें कि एट पॉइंट सी हमारा ई डी इज इक्वल टू वन आया एट पॉइंट डी ई डी इज लेस देन वन आया एंड एट पॉइंट बी ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो आया देन एट पॉइंट ई ई डी इज ग्रेटर देन वन एंड एट पॉइंट ए ई डी इज इक्वल टू इन्फिनी एंड ओवरऑल जो हमने ज्योमेट्रिकल मेथड में फार्मूला देखा वो था हमारा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट यही फॉर्मुला फिक्स होता है और इसी की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहां भी देखो कोई एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है सिर्फ आपको यह बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे हम किस तरीके से डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्लॉट करते हैं और यही चीज हमने यहाँ मेंशन भी की थी कि ए भी हमारा डिमांड कर्व है और किस तरीके से आपको मेजरमेंट करना है किस तरीके से अलोकेशन करना है पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे ये भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो होपफुली आप पॉइंट ज्योमेट्रिकल मेथड भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा इसका सिर्फ ये एक फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है और इस फॉर्मुलेले की हेल्प से ये बहुत ही ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर किसी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमसे बोल दे कि हमें ईडी का कैलकुलेशन करना है तो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट अब आज का लास्ट मेथड आर्क मेथड अब अगर आर्क मेथड की बात करें तो आर्क मेथड हम तब यूज करते हैं जब प्राइस में और डिमांड में जो चेंजेस होंगे वो लार्ज पोर्शन में या लार्ज अमाउंट में हो रहा हो जैसे अगर अभी हम बात करें पॉइंट और जोमेट्रिकल मैथड की तो हमने बोला कि प्राइस और डिमांड में जो चेंजेस हैं वो स्मॉल होने चाहिए थोड़ा सा अगर चेंज है तब तो हम पॉइंट और जोमेट्रिकल मेथड यूज कर सकते हैं बट अगर मान लो लार्ज चेंजेस हुआ तब उस केस में हम पॉइंट और जोमेट्रिकल मेथड यूज नहीं कर पाएंगे हम मेथड यूज करेंगे आर्क मेथड लिखा लिखाइफ देर आर लार्ज चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द पॉइंट मेथड सो द आर्क मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड

जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तब हम बात करते पॉइंट और जोमेट्रिकल मेथड की बट अगर मान लो इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमसे पूछे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में क्या इलास्टिसिटी है डिमांड की तो उस केस में हम यूज करते हैं आर्क मेथड वही लिखा है वेन देर इज लार्ज चेंज इन द प्राइस और वी हैव टू मेजर इलास्टिसिटी ओवर एन आर्क ऑफ द डिमांड कब वी यूज द आर्क मेथड टू मेजर प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर्क इलास्टिसिटी इज अजर ऑफ द एवरेज इलास्टिसिटी दिलास्टिसिटी एट अड पॉइंट दैट connects द टू points ऑन द डिमांड कर्व क्योंकि अगर हम आर्क मेथड की बात करें तो ये हमारा डिमांड कर्व है और हम बात करते हैं कि इसके बीच में मतलब ये दो पॉइंट है एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये इसके बीच में क्या इलास्टिसिटी है डिमांड की उसी का कैलकुलेशन हम करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड में तो नो no डाउट हम इसको एवरेज इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट वन है ये पॉइंट टू है और इन दोनों का एवरेज ही तो हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं बीच में इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा एवरेज दैट इज इलास्टिसिटी एट अ मिड पॉइंट दैट कनेक्ट्स द टू पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व ये जो दो पॉइंट डिमांड कर्व पे कनेक्ट कर रहा है इनके बीच की जब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना होता है और हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट पे जब इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना होता है तो उसे हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड अब देखो हमने ओवरऑल जो चार मेथड पढ़ा है उसमें से पहला मेथड ऐसा था परसेंटेज मेथड जिसमें हमने बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला है और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकेंड एंड थर्ड मेथड की अगर हम बात करें जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट ज्योमेट्रिकल मेथड तो उसमें कहीं पे भी कोई फॉर्मूला हमारे पास गिवन नहीं था जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन कर सके तो वह हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि, कि किस डायरेक्शन में क्या चेंज होगा एंड एंड क्या किस तरीके से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पर ये जो फोर्थ मेथड है आर्क इलास्टिसिटी मेथड इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला दिया है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का तो देखो सबसे पहले तो हम इसका एक ग्राफ बना दें आप लोगों के लिए कि सिंपली ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है ये प्राइस है ये क्वांटिटी है लेट्स से पहले हमारे पास प्राइस इतनी थी और डिमांड इतनी प्राइस के डिक्रीज़ होते ही डिमांड क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी तो ये हमारा डिमांड कब बन गया डी डी अब हम बात करें कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी और हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है इसके बीच की क्लियर ए और बी ये जो दो पॉइंट्स है डिमांड कर्व पे इनके बीच की जब हमें इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन करना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड होपफुली ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर होगा अब किस तरीके से हम लोग ए बी के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं इसका फार्मूला सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है अब हमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है बिटवीन ए एंड बी तो सिंपली देखो यहाँ होगा क्या फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने का क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है तो क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय पी टू माइनस पी वन अगेन प्राइस का भी एवरेज निकालना है तो पी टू प्लस पी वन डिवाइडेड बाय टू यहां तक तो होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिंपली हमने क्या किया है कि हमें इसके बीच की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है तो बीच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी इन दोनों को माइनस कर दो दैट इज़ जो न्यू क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी और फिर हम लोग क्वांटिटी का एवरेज निकाल लेंगे और वैसे ही प्राइस के साथ करेंगे न्यू क्वान्ट न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय जो हमारा एवरेज आएगा प्राइस का और एवरेज क्यों निकाल रहे क्योंकि दो पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है अब यहाँ ये टू टू डिडक्ट हो जाएगा q2 टू प्लस क्यू वन यह आ जाएगा डिनोमिनेटर में p2 पी टू प्लस पी वन यह आ जाएगा न्यूमरेटर में तो ed डी इज इक्वल टू बचेगा q2 टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय पी टू माइनस पी वन मल्टीप्लाई बाय पी टू प्लस पी वन डिवाइडेड बाय क्यू टू प्लस पी वन बना ये फॉर्मूला और यही फॉर्मूला आर इलास्टिसिटी मेथड का है जहां हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और इसके बीच की हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम बहुत ही ईजिल फाइंड आउट कर लेंगे क्लियर अब एग्जाम में जिस तरीके से हम लिखते हैं वो हम यहाँ मैंशन कर देते हैं कि क्यू टू माइनस क्यू वन हम लोग हमेशा जो क्वान्टिटी और प्राइस लिखते हैं वो स्मॉल में लिखते हैं डिवाइडेड बाय क्यू टू प्लस क्यू वन इसी तरीके से आप लोग को लर्न भी रहेगा ये मल्टीप्लाई बाय P2 टू प्लस पी वन डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन तो हमने क्वान्टिटी एक तरफ कर दी और प्राइस एक तरफ कर दी और लर्न करने के लिए बस इतना याद रखना कि क्वान्टिटी में ऊपर माइनस होगा और प्राइस में नीचे माइनस होगा यहाँ देखो वही फार्मूला हमने मैंशन भी किया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला है वो है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिमांड प्लस सेकेंड डिमांड और ये क्या हम कर रहे हैं फर्स्ट डिमांड प्लस सेकेंड डिमांड एवरेज निकाला था हमने डिइडेड बाय चेंज इन प्राइज डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्राइस प्लस सेकेंड प्राइस है अब आप लो लोग बोलोगे कि मैम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिमांड सेकेंड डिमांड फर्स्ट प्राइस सेकेंड प्राइस क्या है हमने देखो यही चीज किया था कि इस केस में हमने मेंशन किया था Q1 वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाय टू और इस केस में किया था P1 वन प्लस पी टू डिवाइडेड बाई टू बेसिकली हमने एवरेज निकाला था बट बट टू टू, टू, टू डिडक्ट हो गया था तो सिंपली यहाँ पे हमने एवरेज ऑफ डिमांड या एवरेज ऑफ प्राइस ना लिख करके मेंशन किया है फर्स्ट डिमांड प्लस सेकेंड डिमांड फर्स्ट प्राइस प्लस सेकेंड प्राइस इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना ये प्राइस है अब चेंज इन डिमांड सिंपली क्या हो जाएगा क्यू टू माइनस क्यू वन और फर्स्ट डिमांड प्लस सेकेंड डिमांड क्या हो जाएगा क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्राइस प्लस सेकेंड प्राइस मतलब पी टू प्लस पी वन क्लियर फर्स्ट प्राइस मतलब वैसे तो पी वन होता है यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला याद करा था वैसे लिखवाया है वैसे लिखा है अब एक पॉइंट देखो हमने बोला था जो फॉर्मूला हमने बनाया है उसमें ये चीज़ बताया था कि क्वांटिटी माइनस ऊपर होगी न्यूमरेटर में होगी और प्राइस को डिनोमिनेटर में माइनस करना है बट क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाया है इसीलिए हमने पी टू माइनस पी वन ऊपर रखा है जो हमारा फाइनल फार्मूला होगा वो होगा क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू टू प्लस क्यू वन मल्टीप्लाई बाय P2 टू प्लस पी वन डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन इसी ये जो फाइनल फॉर्मूला है यही आप लोगों को लर्न करना है और इस फाइनल फार्मूले में हमने यही बताया कि जो क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर में माइनस होगी और प्राइस डिनोमिनेटर में माइनस होगी क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में हम लोग यही भूल जाते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या था आर्क इलास्टिसिटी मेथड का तो ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया था बट जो फाइनल हमारा फॉर्मूला है वो ये है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप देखना बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं अब एग्ज़ाम में क्या होता है ना बहुत बार एग्जाम में मैंशन क्या होता है कि आपको उसको परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करना है या आर मेथड से कैलकुलेट करना है और जनरली आप देखोगे ना तो दोनों में आंसर भी डिफरेंट आता है यहाँ देखो एक क्वेश्चन हमने मेंशन किया है कि हमारी जो ओल्ड प्राइस थी वो थी टू और न्यू प्राइस है वन ओल्ड डिमांड वन थाउजेंड और न्यू डिमांड टू थाउजेंड सिंपली हम लोग क्या करेंगे आर के इलास्टिसिटी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्यू टू माइनस क्यू वन टू थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय स पी वन दैट इज वन प्लस टू डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन यही फॉर्मूला अभी हमने लर्न भी कराया है अगेन देखो यहां क्या हो जाएगा वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन तो जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आया माइनस वन तो हमारी ईडी की वैल्यू कितनी आ गई वन और हमने पहले बताया कि यहाँ पे माइनस शो करने की जरूरत नहीं है सेम कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो हमने परसेंटेज मेथड में बताया था कि जब प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है तो बार बार माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आएगी तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ईडी इज इक्वल टू वन होपफुली ये चारों मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब ई डी कैसे कैलकुलेट करना है उसके चारों मैथड आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे जिसमें से पहला मैथड और फोर्थ मेथड बेसिकली बेस्ड है फॉर्मूले पर एंड उस फॉर्मूले की हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेसन कर सकते हैं बट जो हमने सेकेंड मैथड एंड थर्ड मैथड डिस्कस किया उससे सिर्फ हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर सकते आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हर एक कॉमर्स बेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखोगे ना तो ईडी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है किसी भी मेथड से कैलकुलेशन वेशन करने के लिए बोल सकता है तो हर एक मेथड आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में कवर भी करता है तो जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी न्यूमेरिकल्स की उतना ही आपके लिए अच्छा होगा अब अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ आपको सारी पी नोट्स एंड अपडेट्स मिल जाएंगे उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वो चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच